रहा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चादर दरगाह में पेश की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी चीफ लेकर दरअसल आज चादर पहुंचे थे दोनों नेता। कांग्रेस नेता नदीम जावेद, मंत्री सालेह मोहम्मद, अश्क लिटाक साथ मौजूद थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दरगाह में पढ़ा जाएगा संदेश। खादिम गनी गुरदेजी ने कराई जियारत और मांगे दुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जो चादर भेजी गई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल पहुंचे। ये तस्वीर आपके सामने है। कहा जा रहा है कि यहां पर जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का संदेश है वो पढ़ा जाएगा और एक तरह से पूरे मुल्क में पूरे दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी जाएगी। तस्वीर आपके सामने है, ये अजमेर से तस्वीरें सामने आई हैं और देख सकते हैं आप। ये बड़ी खबर भी है आज की। दरअसल ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चादर दरगाह में पेश की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर चादर वहां पर पहुंचे। जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का संदेश था वो भी बाकायदा खादिम को बताया गया। और सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अशोक भाटी, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अशोक, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? जी बिल्कुल, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी चादर लेकर पहुंचे हैं। इस दौरान जो है तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी साथ मौजूद रहे और इस मौके पर जो है पैगाम भी पढ़ा गया है। कुछ देर पहले ही उन्होंने जो है मजार शरीफ पर चादर पेश की है और अकीदत के फूल भी पेश किए हैं। इस दौरान जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी ये चादर पेश की गई है सोनिया गांधी की, जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी की उनकी चादर लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नदीम जावेद वो मौजूद है, पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अश्क लिटाक और अजमेर के साथ साथ राजस्थान के कई नेता इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर चादर पेश करते हुए जो है दुआएं मांगी है और अमन चैन पूरे देश में रहे इसकी दुआएं मांगी है। इसके साथ ही सोनिया गांधी का यहाँ पर जो है संदेश पढ़ा गया जिसमें सुख शांति और जो है देश प्रगति करें और जो वैमनस्य देश में है उसको लेकर भी उन्होंने संदेश में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का जो माहौल देश में चल रहा है उससे ख्वाजा गरीब नवाज जल्द से जल्द दुआ करके वहां पर जो है उनसे पूरी तरह से दुआ करके जो है मनोकामनाएं मांगी गई है कि जो भी बुरी दुआएं हैं या फिर जो भी जो रस्में हैं वो यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं उन्होंने दुआ करते हुए अकीदत के फूल यहाँ पर पेश करते हुए चादर पेश किया। जी बिल्कुल अशोक, आपने सही कहा। और अभी कितना वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं कि रवाना हो चुके हैं और क्या कुछ अभी चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चादर पेश कर दी है, मजार शरीफ पर चादर पेश करके वो यहाँ से जो है दरगाह से रवाना हो गए हैं। यहाँ से वो सीधे अब जो अन्य स्थल है जयपुर जाने का जो कार्यक्रम है, किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से जयपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल जो सभी पदाधिकारी हैं उन्होंने चादर पेश कर दी है। खादिम हैं गनी गुड्डे जी, उन्होंने ये चादर पेश करवाई है और जियारत करवाई है। इसके साथ साथ सभी को तबर्रुक भेंट करते हुए दस्तारबंदी उनकी की गई है, उनका स्वागत यहाँ पर किया गया था और जो तमाम अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुचारू रखा जिसके बाद ये जो चादर है वो पेश की गई है। जी धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए अशोक सिंह भाटी। साफ तौर पर यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में थे और जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से चादर भेजी गई थी उसको आज लेकर पहुंचे थे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर भेंट किया और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो संदेश था वो भी पढ़कर सुनाया गया खादिम की तरफ से। सोनिया गांधी का संदेश देश और दुनिया में अमन कायम करने के लिए और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि जब पहुंचे दस्तारबंदी भी की गई और कहा जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ से रवाना होने वाले हैं मुख्यमंत्री, लेकिन तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए और कई जो अजमेर समेत आसपास के नेता थे कांग्रेस के सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तस्वीरें जो आई हैं, सबसे पहले जीरा स्थान आपको दिखा रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु में थे और आज ही बेंगलुरु से जैसे ही वापस आए सीधे दरगाह पहुंचे हैं और जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से चादर भेजी गई थी ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के लिए चादर चढ़ाने के लिए उसको लेकर सीधे दरगाह पहुंचे। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में थे। रियासत के वजीर आला और इस रियासत के और देश के बहुत ही महबूब लीडर मोहतरम अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मोहतरम डोटासरा साहब,
कांग्रेस पार्टी के दीगर जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हुए। हमारे अकलीती शोबे के जो वजीर साले मोहम्मद साहब, रियासत असेंबली के मेंबरान और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ लाए और वो ख्वाजा के दरबार में उन्होंने हाजिरी दी है। मोहतरमा सोनिया गांधी जी की जानिब से अशोक गहलोत साहब की मौजूदगी में जो पैगाम है वो आप हजरात के सामने मैं आपकी इजाज़त से गोश गुजार कर रहा हूँ। गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदत की चादर, दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ के तमाम सज्जादगान खुद्दाम और जायरीन की खिदमत में अकीदतमंदाना आदाब। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें सालाना उर्स के मौके पर अपनी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से चादर रवाना करते वक्त अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही हूँ। यकीनन ये मेरे लिए बेहद फख्र की बात है कि हर साल मुझे ये मौका मिलता है।